वेलकम बैक टू द स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन भाई भाई। और आप मुझसे सवाल करते करते थक गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ, हमारी भाई कहाँ है। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली मैं भाई के साथ नहीं था, मैं वैकेशंस पे गया हुआ था और मैंने आपको अपडेट भी किया था, बट कहीं ना कहीं वो आजकल इतने सोशल मीडियाज पे, कभी इंस्टा पे, कभी फेसबुक पे, कभी यूट्यूब पे, तो आई एम सॉरी गाइस, बट ये वर्ल्ड कप हमने ज़रूर मिस किया है और कहीं ना कहीं आपने, उम्मीद करता हूँ कि भाई को भी मिस किया ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से उलटफेर हुए हैं, ये कोई वर्ल्ड कप नहीं लग रहा था, ये तो ऐसा लग रहा था कि आईपीएल का एक एक्सट्रीम वर्जन ही स्टार्ट हो गया हो। पाकिस्तान की टीम ऑलमोस्ट भाग चुकी है, बांग्लादेश के कोई आसार नज़र नहीं आए, जिम्बाब्वे ने जो उलटफेर किया है ना, जबरदस्त किया, इंडिया ने अपनी कहीं ना कहीं साख बचा ली है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच की, जो कि होने वाला है कल के दिन। हाँ जी, मैं आपको जल्दी ही पोस्ट करके दूंगा। और ये मैच जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो न्यूजीलैंड वर्सेस आयरलैंड के बीच में होने वाला है दोस्तों। वैसे इस मैच की कुछ खास इम्पॉर्टेंस नहीं है आयरलैंड के लिए, बट न्यूजीलैंड के लिए शायद ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी भी न्यूजीलैंड के लिए एक सेफ जोन बनाना बहुत जरूरी है। ऑलमोस्ट वो पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी एक ये मैच जीतना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि अगर ये मैच न्यूजीलैंड हार जाता है और कहीं ना कहीं उसको बाहर होने का खतरा हो सकता है दोस्तों। तो देखते हैं कि यहाँ पे आयरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के खिलाफ भाई ने क्या प्रेडिक्शन दिया है, यानी कि बिहाफ में किस टीम को जिताया दोस्तों। लेट्स हैव अ लुक इनटू दिस। आपको मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे, फीफा वर्ल्ड कप को हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। आप मेरे वीडियोस देखते रहिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा दोस्तों, ताकि मेरे व्यूअर्स और मेरे कमेंटेटर्स और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये वीडियोस बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिल सके दोस्तों। सो गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, लेट्स हैव अ लुक इनटू दिस कि पई ने यहाँ पे किस टीम को प्रेडिक्ट किया है दोस्तों। Clap your hands. तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि इस मैच में जिस टीम को पई ने प्रेडिक्ट किया है वो है न्यूजीलैंड की टीम, और जहां की मुझे भी लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम कल ये मैच आसानी से तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड इसको डिफेंड करके जीत जाएगी दोस्तों। अब देखते हैं आगे कि नेक्स्ट मैचेस में पई किस टीम को जिताती है और किस टीम को पिक करती है एज अ विनर। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, शबक है, गुड नाइट।